मंगल भवन या मंगल हारी, द्रव सुदशरथ जिन बिहारी, राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाई, सुनि संदेश सकल हर्षानी, अपर कथा सब भूप बखानी, जनक सुता रघुवीर बियाहु, सुनि शुभ कथा लोग अनुरागे, मग गृह गली सवार लागे, यद्यपि अवध सदैव सुहावन, रामपुरी मंगलमय पावन, तदपि प्रीति के प्रीति सुहाई, मंगल रचना राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जनक जी की पत्रिका बांच कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गईं। राजा ने फिर दूसरी सब बातों का जो दूतों के मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे मोरनी बादलों की गरज सुनकर प्रफुल्लित होती हैं। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियाँ प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही हैं। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न हैं। उस अत्यंत प्रिया पत्रिका को आपस में लेकर सब हृदय से लगाकर छाती शीतल कर रही हैं। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ जी ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी का बारंबार वर्णन किया है। यह सब मुनि की कृपा है ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मणों को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते हुए चले।
फिर भिक्षुकों को बुलाकर करोड़ों प्रकार की निछावरें उनको दी। चक्रवर्ती महाराज दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हों, यों कहते हुए वे अनेक प्रकार के सुंदर वस्त्र पहन पहन कर चले। आनंदित होकर नगाड़े वालों ने बड़े जोर से नगाड़ों पर चोट लगाई। सब लोगों ने जब यह समाचार पाया तब घर घर बधावे होने लगे। 14 लोकों में उत्साह भर गया कि जानकी जी और श्री रघुनाथ जी का विवाह होगा। यह शुभ समाचार पाकर लोग प्रेम मग्न हो गए और रास्ते घर तथा गलियां सजाने लगे। यद्यपि अयोध्या सदा सुहावनी है क्योंकि वह श्री राम जी की मंगलमयी पवित्र पुरी है, तथापि प्रीति पर प्रीति होने से वह सुंदर मंगल रचना से सजाई गई। ध्वजा पताका पर्दे और सुंदर चमरों से सारा बाजार बहुत ही अनूठा छाया हुआ है। सोने के कलश तोरण मनियों की झालरें हल्दी दूब दही अक्षत और मालाओं से लोगों ने अपने अपने घरों को सजाकर मंगलमय बना लिया। गलियों को चतुरसम से सींचा और द्वारों पर सुंदर चौक पुराए। चंदन केसर कस्तूरी और कपूर से बने हुए एक सुगंधित द्रव को चतुरसम कहते हैं। इस एपिसोड में इतना ही। आगे की कथा सुनने के लिए कृपया मेरे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जय सियाराम।